बबुआ नाहिरानी, इसमें मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठा भी है। स्टार्टिंग में वो था भतीजा तोड़ा मौसी जिंदा, बहुत ज्यादा ही किया था। हाँ, मौसी जिंदाबाद बहुत ही। के बाद मैं पहचानी गई बबुआन गर्ल्स, पवन जी का, हाँ पवन जी का नजर मिला बबुआन, उस गाने से मैं पहचानी गई। उससे पहले मेरा बर्थडे है 11 अप्रैल को, एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे, आप लोगों को आना भी है। अरे जरूर जरूर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री के काफ़ी खूबसूरत और बेहद टैलेंटेड डांसर, साथ में मतलब एक्ट्रेस भी है, एक्ट भी करती हैं और काफ़ी सारे एल्बम्स में इन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि परमिला घोष जी से आप सबकी मुलाकात करवाऊँ और इनको रूबरू करवाऊँ। हेलो मैम, लीड न्यूज़ भोजपुरी में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए जी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोग आए हैं यहाँ पे। और बताइए हम आपके कैसे सेवा कर सकते हैं। अरे सेवा क्या करना है मैम, तो शुरुआत बेसिकली शुरुआत करते हैं जैसे हर सबके साथ करते हैं कि शुरुआत मतलब कैसे, आगाज़ कैसे किया आपने अपना, ये बताइए। मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ 1 साल हो रहा है जी। मैं इसी पिछले साल के 2020 के होली में मैंने स्टार्ट किया था काम। होली से वहाँ से कैरियर मेरा स्टार्ट हुआ, भतीजे तोड़ा मौसी धीरे धीरे होते गया, कैलाश धुआं धुआं है, पवन जी के साथ आया, नज़र मिला भगवान से, उसके बाद आपका राजा जी रुसलवानी का, और भी बहुत सारे मेरे हिट्स एल्बम हैं। दो बच्चों की माँ भी कुमारी लगती है, वो भी बहुत हिट गया था। तो मतलब सबसे पहला कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया जो सबसे फर्स्ट आपके लाइफ का था? देखिए मेरा 2019 में जो सबसे हिट गया है पहला स्टार्टिंग में वो था भतीजा तोड़ा मौसी जिंदा, बहुत ज़्यादा हिट गया। हाँ, मौसी जिंदाबाद बहुत हिट गया क्योंकि मैं जितने सारे इवेंट्स करती थी वहाँ पे गाने का डिमांड, लोगों का चाहत बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मैं पहचानी गई बबुआन गर्ल्स, पवन जी का, हाँ पवन जी का नज़र मिला बबुआन, उस गाने से मैं पहचानी गई। अच्छा। उसके बाद अभी 2020 में तो और भी आ रहा है और आएगा भी जी। तो मैंने देखा था, हम लोग सब ने देखा था कि आपको मतलब टैटूज़ का शौक़ है या फिर? हाँ एक्चुअली मैं बचपन से एक लड़की नहीं मतलब लड़कों की तरह बड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत कोई क्वेश्चन करता है कि मैम आप टैटू बनवाई है ठीक है, तो आप बटरफ्लाई या ये सब क्यों नहीं, आप लड़कों की तरह क्यों टैटू बनाई हुई है? तो मैं इकलौती हूँ अपने घर की, तो बचपन से मुझे मम्मी पापा ने लड़कों की तरह ट्रीट किया है, तो मेरा चॉइस भी कुछ कुछ वैसा ही है, मतलब ड्राइविंग करना, हॉर्स राइडिंग, टैटूज, पियर्सिंग। बढ़िया है। इसके पहले की लाइफ आपकी मतलब कैसी थी, इंडस्ट्री लाइन को मतलब पहले की क्या नहीं, मेरा पैशन था डांस। अच्छा, तो ऑलवेज मैंने यही रास्ते को चूज़ किया जी। इवन एक टाइम कोरियोग्राफी कर लिया, एक टाइम इंस्टीट्यूट चला लिया, अपना इंस्टीट्यूट भी है। अच्छा। और उसके बाद इवेंट्स भी स्टार्ट किया, तो इवेंट्स में रिस्पांस अच्छा आ रहा था, वहाँ से फिर इंडस्ट्री में आ गई। यहाँ पे कोरियोग्राफर, कैमरामैन, डायरेक्टर सबके साथ अच्छा बॉन्डिंग, सबका प्यार, दर्शकों का प्यार मिलते रहा, सपोर्ट मिला तो हो गया। तो मतलब आप मतलब इस लाइन के पहले स्टडीज जो है आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब कब से छूट गई? मैंने 2 साल हो रहा है मैंने छोड़ दिया, मैंने सेकेंड ईयर कम्प्लीट कर दिया था, मगर थर्ड ईयर टाइम मेरे पापा का डेथ हो गया। अच्छा। तो उस टाइम मेरे को पढ़ाई छोड़ना पड़ा, मैं हिस्ट्री ऑनर्स हूँ। अच्छा जी, वाह। तो मतलब आपने तब से डिसाइड कर लिया कि मैं इंडस्ट्री लाइन में जाऊँगी, है ना? हाँ, और एक्चुअली पापा मेरे एसआई थे, उनका जो जॉब था उनका बहुत हार्ड जॉब था, कभी भी उनको जाना पड़ता था मॉर्निंग में, नाइट में, 2 बजे, 1 बजे, 5 बजे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। किसी किसी का जैसे होता है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मैं यही करूँगी, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो मेरे लिए एक आर्टिस्ट लाइफ ही प्रेफर करता है ज़्यादा, और जिसको जिसमें मन लगे हाँ, उसी साइड जाना है। बिल्कुल, मुझे भी वही लगता है। तो आपने एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने इंडस्ट्री लाइन में काम किया है सभी कलाकारों के साथ, और आपका एक गाना आया था अभी जो नज़र मिलाओ भगवान से, पवन जी के साथ आया था, और उसके बाद एक और गाना आया था खेसारी लाल यादव जी के पास साथ, अहिरान के समान, है ना? तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, मतलब कि जो भगवान है और अहिरान, ये 2 सॉन्ग्स हैं, बिल्कुल, तो आपको किसमें कंफर्टेबल महसूस हो, भगवान के साथ या अहिरान के साथ? कंफर्टेबल वाली कोई बात नहीं है, मेन होता है कि
अभी मेरा ये स्टार्टिंग है करियर का, तो मुझे काम करना है जी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट का कोई बबुआन आहिरान नहीं होता, आई मीन कास्ट जी जी। तो और जो बबुआन है पवन सिंह, और जो आहिरान है हमारे खेसारी लाल यादव जी, दोनों कलाकार हैं। तो उनको लगा कि मैं इस गाने के लिए परफेक्ट हूँ, चाहे ये आइटम सॉन्ग है जो आम अपकमिंग भी आइटम डांसर। सो उन्होंने मुझे ये चांस प्रोवाइड किया, मैंने काम किया। और रही बात बबुआन आहिरान, इसमें मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठा भी है, कंट्रोवर्सीज में रहा है ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज मेरे फेसबुक में भी मैं देखती हूँ, मेरे फैंस कुछ कुछ है। अच्छा, मान लीजिए मैं आज अपकमिंग मेरा बहुत एक अच्छा गाना आने वाला है डीआरएस म्यूजिक से पवन सिंह के साथ। अच्छा। जो जौनपुर में अभी शूट हुआ है हम लोग का, चाहे वो गाना, और खेसारी जी के साथ अभी होली का एक सॉन्ग बहुत अच्छा आने वाला है जी। चाहे वो गाना, मैं दोनों के साथ ही जितना मुझे मार्केटिंग मिलता है मैं दोनों के साथ ही कंफर्टेबल हूँ, और मैं दोनों का पोस्ट शेयर करती हूँ। सब मेरे दर्शकों को, मेरे फैंस को, मेरे फेसबुक में जितने सारे लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, चाहे यूट्यूब पे, उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं सब दोनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ, और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो गॉसिप जो है ये दर्शकों का है, ऐसा कोई बात नहीं है अंदर में, दोनों अलग नहीं है। तो वही चीज़ तो मैंने क्वेश्चन किया ना कि जैसे दो सॉन्ग्स आउट हुआ इसके बाद, इसके बाद मतलब बैक टू बैक सॉन्ग्स आने लगे अहिरान बबुआन के, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि मतलब ये सही हो रहा है, कहाँ तक ये सही है? मतलब कोई गलत नहीं है जी, इसमें हमको कुछ भी नहीं लगता कि कुछ भी गलत है, क्योंकि गाना बनता है सुनने के लिए जी। उसका आप अगर बबुआन थे तो आप अपना गाना सुनिए, सबको हक है अपना अपना गाना सुनने का। तो आप आहिरान हो तो आप वो गाना लगता है अच्छा तो आप वो गाना सुनिए, जैसा जिसका पसंद है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गाना सुनना है, गाना सुनिए। और बबुआन आहिरान जो निकल रहा है ये कोई जातिवादी के लिए नहीं निकल रहा है, ये सब गाना है और सुनने के लिए निकल रहा है, आप लोग सुनिए, मज़ा लीजिए। तो इंडस्ट्री की अंदर की बातें थोड़ी बताइए कि मतलब किस टाइप की है इंडस्ट्री, बाहर से तो लग रहा है कि कंट्रोवर्सीज हो रही है, अंदर से मतलब हमको बताएं। अंदर से इंडस्ट्री एक फैमिली है जी जी, और आपस में इन लोगों का जो प्यार मिलता है मुझे, चाहे सबका सब, मुझे मैं ये मेरा जगह नहीं है जी, ये पटना, मैं हूँ फ्रॉम कोलकाता और मेरा सब कुछ वहीं पे है जी। मगर मुझे अभी लगता है कि मुझे पटना से ज़्यादा, मतलब कोलकाता से ज़्यादा मेरा पटना में फैमिली बहुत ज़्यादा है। क्या बात है। तो आपके, मैं दो स्टारों की बात करूँगा, पवन जी और खेसारी लाल यादव, इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब किस टाइप, कैसा लगा इनके साथ काम करके, क्या एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ? कोई कहना नहीं है, भोजपुरी ऐसा एक इंडस्ट्री है ना, इसमें इससे सबको, जब भी आप इस लाइन में एक दो महीना काम कर लोगे आपको इससे प्यार होना ही होना है। मुझे भोजपुरी पहले थोड़ा सा भी नहीं आता था कि कैसे बोला जाता है, कैसे क्या रिएक्ट एक्ट, तो काम करते करते ऐसा हो गया ना, हैबिट हो गया, और पहले से ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं अभी अच्छा करती हूँ। और रही बात पवन जी के साथ काम करना, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, खेसारी जी के साथ काम करना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, और आगे जाके सबका सपोर्ट रहा तो ऐसे ही काम करते रहोगी। और एक्सपीरियंस बोला जाए तो ज़बरदस्त रहा है, बबुआन वाला भी और आहिरान वाला भी दोनों, और सबका प्यार और सपोर्ट के सहारे आगे बढ़े हैं। थैंक यू। पब्लिक ही करती है। हाँ, जो दर्शक है वही भगवान है, वही सब कुछ है, तो उन्हीं का प्यार सब कुछ हम लोगों के लिए आशीर्वाद माना जाता है। बहुत खूब। अब आपने बात की लैंग्वेज की, जहाँ तक कि आपको लैंग्वेज की बात की, आप कोलकाता से बिलोंग करती हैं, तो जब आप बिहार आई होंगी तो भोजपुरी को लेके काफ़ी मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा आपको, तो उसको मतलब आपने कैसे मैनेज किया, कैसे? भोजपुरी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, पहले उतना कुछ समझती नहीं थी, वर्ड्स कुछ कुछ प्रॉब्लम होता था, आधा समझ जाती हूँ, पूरा नहीं समझती हूँ। अच्छा। अभी पूरा समझ जाती हूँ, अभी का बात अलग है। तो सुनते सुनते गाना
आर्ट्स मतलब इतना दिन रहते रहते भोजपुरी के ऊपर इन्वेंशन करते करते मान लीजिए कि आज सब कुछ कम से कम समझ जाते हैं। देखा है हम लोगों ने वीडियोज़ में, काफ़ी अच्छा आप डांस भी करती हैं, लिपसिंग वगैरह हर चीज़ हो जाता है आपसे। तो एक बात ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको सब पता है। तो एक टॉपिक भोजपुरी का नाम सुनते सबके माइंड में एक टॉपिक आता है अश्लीलता। अच्छा, उसके बारे में क्या ख्याल है, थोड़ा बताइए पब्लिक को। नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका थिंकिंग के ऊपर सब कुछ है जी, आप गाने को कैसे ले रहे हैं। मान लीजिए हम अगर पॉजिटिव वे में ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सोच ही नेगेटिव है तो आपको पानी में भी दाग दिखेगा। सही, तो यही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री है। तो मैडम आपका फेवरेट सिंगर कौन है ये बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में, मेल में। मेरे फेवरेट सिंगर जी, मेरे फेवरेट सिंगर तो सब है, सब अपने अपने में है। किसी का गाना दिल को छू जाए, अच्छा लगे। मुझे देखिए ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे पवन जी का भी मीठा मीठा बते कमरिया अच्छा लगता है, खेसारी जी का भी रेड लिपस्टिक अच्छा लगता है, कल्लू जी का एक गाना है पापा वाला सॉन्ग है जो आर्यन देव जी ने किया था, अच्छा। वो भी अच्छा लगता है। कभी कभी सबका मिला जुला के एक एक गाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो ये बताइए कि मतलब आपको आगे क्या करना है, मतलब एज अ मतलब एल्बमिंग करना है कि एज एन एक्ट्रेस भी आना है इंडस्ट्री में। मुझे इंडस्ट्री में एक्चुअली आइटम डांसर का बहुत शौक है। अच्छा। बनने का जी। तो मैं कोशिश करती हूँ आगे जाके अगर आइटम डांसर बन पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एज एन मतलब किसी ने सामने से रैंडमली आपको ऑफर कर दिया मूवी के लिए तो आप मतलब क्या कहेंगे, हाँ या ना? मैं हाँ कहती हूँ, मगर मैं ऑब्वियसली मैं आइटम सॉन्ग के लिए हाँ कहती हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं मिला है। अच्छा, अच्छा। मगर मुझे एक्ट्रेस कम एंड मतलब आइटम डांसर मेरा मेन फोकस है। अच्छा। क्योंकि मेरा पैशन है डांस। तो डांस पैशन है आपका। हाँ। तो आप मतलब किसको देख के आगे बढ़ती हैं, किसके वे पे चलती है, किसके रास्ते पे चलती है? देखिए हमारी इंडस्ट्री में बहुत मैंने आइटम डांसर का नाम सुना है, तो संभावना सेठ इन लोगों का नाम मैंने बहुत सुना है। तो उन लोगों का जगह पे अभी हम लोग नहीं पहुंच सकते, हम लोगों का स्टार्टिंग है। उन्हीं लोगों को देख के फॉलो अप करके जितना आगे हम लोग बढ़ते हैं बस सब उन्हीं लोगों का रास्ता है, क्योंकि एक के बाद ही एक आता है। सही बात है, सही बात है। तो एक क्वेश्चन ये भी रहेगा मेरा कि इंडस्ट्री में आपको मतलब आपका फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है ये बताइए। मैं बंगाल से हूँ जी, मुझे मोनालिसा अच्छी लगती है इसलिए क्योंकि वो भी बंगाल से हैं, तो उनका जो क्रिएटिविटी, उनका जो मतलब समझने का तरीका जी, इतना जल्दी इसको अचीव कर लेना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मेल में बात करें तो, मेल में बात करें तो मुझे रवि किशन जी अच्छे लगते हैं, पवन जी अच्छे लगते हैं, खेसारी जी भी अच्छे लगते हैं। और खेसारी जी का जो कॉमेडी होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल्लू जी का भी एक मूवी आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। फिलहाल उसके प्रमोशन के टाइम में नहीं आ पाई थी, मगर मूवी बहुत अच्छा निकलेगा। अच्छा, ये बताइए मैम कि अब मतलब आगे आपका क्या प्लान है, आगे क्या करने वाली है, कुछ अपकमिंग सॉन्ग्स वगैरह के बारे में? अपकमिंग मेरा एक प्रोजेक्ट आने आ रहा है, मतलब वो मूवी का आइटम सॉन्ग है जी, पवन जी का मूवी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब वो उसका स्टार्टिंग होगा अप्रैल में, तब तक आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मेरा बर्थडे है 11 अप्रैल को। एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। आप लोगों को आना भी है? अरे जरूर जरूर, आप बुलाएंगे तो हम लोग जरूर आएंगे। हाँ, तो ये बताइए कि मतलब आपका फेवरेट फूड क्या है, क्या खाना पसंद करती है? मेरा फेवरेट फूड बहुत कुछ है, मछली है। कोलकाता वाले लोगों का तो फिश मतलब होता ही है खाने। हाँ, बट मेरा मेन प्रॉब्लम है कि खा नहीं पाती हूँ। अच्छा। इसलिए नहीं खा पाती हूँ कि मन करता है खाने का, बट नहीं प्रोमिला, नहीं खाना है तुमको, ऐसा हो जाता है। अच्छा। खाओगी तो फिर फैट के लिए डाइटिंग, फैट के लिए। हाँ। एज एन एक्ट्रेस है, सॉरी, डांसर मेंटेन करना बहुत ज्यादा। सही बात है, खा नहीं पाते हैं। सही बात। ये बताइए मैम कि अब मतलब इतनी सुंदर है आप,
डांस भी अच्छा करती है, बॉलीवुड में आपने क्यों नहीं ट्राई किया ऑडिशंस वगैरह कुछ? बॉलीवुड में मैंने इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि पटना में जब से आई हूँ मुझे पटना ने बहुत कुछ दिया है, अच्छा। प्यार दिया है, फैमिली दिया है, रहने के लिए सबका सपोर्ट दिया है, तो मैं ये छोड़ के नहीं जा सकती, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकती। बहुत प्यार करती है भोजपुरी से। मैं बहुत प्यार करती हूँ सच में। कैसा रहा अब तक का सफर ये बताइए? दर्शकों का प्यार, सबका आशीर्वाद, फैमिली का सपोर्ट, यहाँ पे जो मेरे फैमिली नए बने हैं सबका सपोर्ट, आप लोगों का साथ एकदम हमेशा रहेगा आपके साथ, तो सब मिला जुला के एकदम एक क्लास एक्सपीरियंस मस्त रहा, मस्त एकदम मस्त। तो देखा अभी हमने मैम से बात किया, मैम काफ़ी अच्छी है और मतलब बहुत ही नेक दिल है, तो मैं चाहूँगा कि इनकी आने वाली जो भी अपकमिंग मूवीज़ वगैरह में काम जो है या फिर सॉन्ग्स है, एल्बम सॉन्ग्स है, जैसा कि इन्होंने बताया आइटम सॉन्ग को बेहद पसंद करती है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि इनके गानों को, इनके डांस को, हर चीज़ को दिल से सपोर्ट करें और आगे बढ़ें, ऐसे ही मैम जगमगाते रहें। तो लास्ट में आप अपने दर्शकों से, फैंस से थोड़ा बताइए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ही हमारे भगवान हैं, तो गोड़ छुके गोड़ लगतनी सबके, और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और माता रानी से दुआ कीजिए कि ऐसे ही हमारा रास्ता आगे बढ़ता जाए। वाह क्या बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। मैं शुभम सिंह विद कैमरा मैन सत्या भाई, थैंक यू।